TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
ही जुड़ती हुई। पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद आरपी चौधरी कंटिन्यू करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से, सामना करेंगे नीरव बारोट। अच्छी गेंद आगे आके मारने का प्रयास, बीट हुए, उठा के मारने का प्रयास था, पटकी हुई गेंद पूरी तरह चूके। दूसरी गेंद फिर से सामना करेंगे नीरव बारोट। अच्छी गेंद डाउन द लेग और एम्पायर का इशारा वाइड, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। एक और फोर रन डिलीवरी और ये मिस किया कीपर ने, और पीछे वेलकम बाउंड्री अतिरिक्त रनों के रूप में आती हुई। अच्छी गेंद खेल दिया है स्ट्रेट, फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑफ पर, एक रन पूरा किया। छोटा ग्राउंड है, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रखनी पड़ेगी अगर आपको डबल्स में तब्दील करना है सिंगल को। तो एक अच्छी गेंद घुमाकर मारने का प्रयास और लेग बाई के रूप में एक अतिरिक्त रन। शॉर्ट बॉल और ये उठा के मारने का प्रयास, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन 4 रन आसानी से। आखिरी गेंद 6 ओवर की और स्कोर जा पहुंचा है 41 रन आफ्टर 3.5 ओवर्स।
अच्छी शुरुआत अभी तक, एक विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में तब्दीली, थर्ड मैन पीछे लिया, एक और अच्छी गेंद उठा के खेल दिया है और छोटा ग्राउंड होने के कारण ये बॉल सीमा रेखा के पार और मैक्सिमम मिलता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी, कैलकुलेटिव बैटिंग करनी होगी यहाँ पर जेट को के प्लेयर्स को, जहां पर ग्राउंड छोटा है वहां पर मैक्सिमम बाउंड्रीज एरिया सिलेक्ट करके बल्लेबाजी करनी होगी अगर मैक्सिमम रन स्कोर करने हैं तो। गेंदबाजी में बदलाव, आरडी हनोरा ब्रिज एंड से कंटिन्यू करेंगे अपने कोटे का पहला ओवर और सामना करेंगे बीनल बारिया। अच्छी गेंद और ये डाउन द ग्राउंड खेला, फील्डर लॉन्ग ऑफ पर मौजूद, कोई रन नहीं, अच्छा शॉट यहां पर। कट किया है पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद और एक रन आसानी से पूरा किया। यहां पर मिस फील्डिंग होती हुई लेकिन कोई रुचि नहीं दिखाई डबल लेने में और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। थर्ड मैन और फाइनल लेग दोनों बाहर, अच्छी बॉल ये कट करने का प्रयास था, अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक रन लेने से नहीं रोक पाए। अच्छी गेंदबाजी अभी तक हनोरा, लॉन्ग अच्छा शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, पीछे फील्डर दौड़ते हुए और ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, चार रन। कल एक अच्छा मैच देखने को मिला था HDFC वर्सेस जेट को, शॉर्ट बॉल और उठा के मारा है, पीछे फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच ड्रॉप किया यहां पर फील्डर निर्मल ने, एक जीवनदान मिलता हुआ यहां पर बीनल को।
यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को देखना होगा कि जिस तरह कल एचडीएफसी के बल्लेबाजों ने मैच्योरिटी के साथ इनिंग को आगे बढ़ाया था। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और ये वाइड, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। कैच ड्रॉप किया यहां पर निर्मल ने। एक और पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और ये फिर से वही नतीजा, वाइड अतिरिक्त रन, एक और जुड़ता हुआ जेटको के खाते में। और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 55 रन, आखिरी गेंद शेष। एक और ऑफ स्टंप के बाहर डॉट बॉल और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर जा पहुंचा है 56 रन, एक विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। संयम के साथ पूरी इनिंग दोनों बल्लेबाजों को अंजाम तक पहुंचानी होगी। के जी सुथार कमेंट्री बॉक्स एंड से कंटिन्यू करते हुए, सामना करेंगे बीनल। अच्छी गेंद, रन लेने का प्रयास था, वापस भेजा वहां पर बीनल ने, अच्छी कॉल। छोटा मैदान, एक और अच्छी गेंद यहां पर फिर से खेल दिया है और ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, रिस्की हो सकता था लेकिन रन पूरा किया यहां पर। खराब थ्रो फील्डर के द्वारा और एक रन जुड़ता हुआ जेटको के खाते में। और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 57 रन 5.2 ओवर्स के बाद। अच्छा शॉट उठा के मारने का प्रयास, पीछे फील्डर मौजूद, फाइन लेग पर एक रन आसानी से पूरा किया। यहां पर ध्यान रखना है कि सिंगल या डबल, छोटा मैदान, रिस्की सिंगल के बजाय अच्छे शॉट्स लगाकर।
अच्छी गेंद यहां पर कट किया है डीप स्क्वायर लेग में, 4 रन। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 66 रन एक विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद। गेंदबाजी में बदलाव, MB चौहान कंटिन्यू करेंगे ब्रिज एंड से, सामना करेंगे बल्लेबाज नीरव बारोट कप्तान जेटकोई टीम के। अच्छी गेंद स्वीप मारने का प्रयास, पीछे फील्डर मौजूद नहीं और ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार, 4 रन यहां पर प्राप्त किए। अच्छी गेंद ये कट किया है पॉइंट पे, फील्डर मौजूद, 1 रन। डीप स्क्वायर लेग को बाहर लिया यहां पर, फील्डिंग में बदलाव, फिर से वही गेंद और वही मारने का प्रयास, 1 रन। अच्छी गेंद यहां पर पॉइंट की दिशा में, सिंगल आसानी से पूरा किया, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बीनल बारिया, माफ कीजिएगा नीरव बारोट के बल्ले से निकला हुआ ये सिंगल। अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, आगे आगे मारने का प्रयास चूके, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 73 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। रितेश प्लीज कम एट द कमेंट्री बॉक्स, हनोरा कंटिन्यू करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से, सामना करेंगे नीरव बारोट। फील्ड में बदलाव, डीप एक्स्ट्रा कवर बाहर, थर्ड मैन बाहर, फाइन लेग बाहर। अच्छी गेंद बीट किया यहां पर,
पटकी हुई गेंद उठा के मार दिया है, पीछे फील्डर देखते हैं और ये चार रन यहां पर मिलेंगे। आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर। फिर से उठा के मारने का प्रयास, अच्छी अपील, बीट हुए। आरडी हनोरा सामना करेंगे बीनल बारिया। ये उठा के मार दिया है कवर के बीच में से और चार रन वेलकम बाउंड्री जुड़ती हुई। ट्रेडमार्क बीनल शॉट, नीची रही गेंद, वही मारने का प्रयास था, चूके, काफी नीची रही गेंद। और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 82 रन। आखिरी गेंद, फील्डिंग में बदलाव, मिड विकेट, डीप मिड विकेट पर फील्डर तैनात किया और डीप एक्स्ट्रा कवर को अंदर लेते हुए अच्छी गेंद, शॉर्ट डिलीवरी, अच्छी वापसी हनोरा के द्वारा और ओवर समाप्त हुआ। इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 82 रन 8 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा फाइटिंग टोटल यहां पर खड़ा करना होगा जेटको को अगर ये मैच अच्छे रन रेट से जीतना है तो। 6 छोटा ग्राउंड, एमबी चौहान कंटिन्यू करेंगे, सामना करेंगे नीरव बारोट। फुल टॉस गेंद और ये घुमा के मार दिया है, पीछे फील्डर मौजूद डीप स्क्वायर लेग में, फायदा नहीं उठा पाए, 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। खराब गेंद लेकिन अच्छा रिजल्ट यहां पर देखे गई गेंदबाज के लिए, सिर्फ 1 रन आया। और ये उठा के खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद और 4 रन यहां पर मिलेंगे बीनल बारिया को। एक और अच्छा शॉट निकलता हुआ बीनल के बल्ले से कवर्स की दिशा में। एक और फ्राइडे डिलीवरी उठा के मारने का प्रयास था डाउन द ग्राउंड, 1 रन। और एम्पायर का इशारा वाइड,
दो अतिरिक्त रन यहां पर जुटते हुए खाते में। एक और फुल टॉस, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अच्छा सिंगल चुराया यहां पर। एक और फ्लाइट हेड गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर मौजूद, एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा यहां पर। और ये कट किया, एक रन लेने का प्रयास था, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 92 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। ड्रिंक्स, नो ड्रिंक्स। एन के पटेल, राजमहल छोर से नीरव बारोट सामना करेंगे। 42 रन बनाए हुए और ये पहला बॉल वाइड, शुरुआत ही वाइड से की, जो कि नीरव बारोट खेल रहे हैं 42 रन बना के 25 गेंदों का सामना किए हुए। अच्छा शॉट, स्क्वायर कट किया, बैट रखते ही चले गए नीरव बारोट, और ये पैरों से लगा के चौका दिया वड़ाक बोरी की टीम ने। डीप पॉइंट की तरफ खेला था, ले बताया जैसे नीरव बारोट खेल रहे हैं 46 रन बना के, बीनल बारिया खेल रहे हैं 31 रन बना के। नीरव को अपने 50 रन पूरे करने के लिए 4 रन चाहिए। देखते हैं कि ये बॉल में चौका लगाते हैं या फिर टुकुर टुकुर करके स्टंपिंग की अपील की, अंपायर ने नकारा। काफी बढ़िया बॉल था निमेश का, बीट हुए नीरव सर। निमेश तैयार, नीरव तैयार, दोनों का सामना इस ऊर्जा कप में काफी काफी बढ़िया बढ़िया उठा के मारना चाहते थे, बीट हुए
एक रन के लिए दौड़ पड़े। लेग बाय का इशारा एम्पायर का, नीरव बारोट नाखुश होंगे अपनी इस बॉल में जो उन्होंने प्रयास किया। अब बिनल सामना करेंगे निमेश का, निमेश ने काफी अच्छी बॉलिंग की है अभी तक। बिनल को बीट किया निमेश ने, काफी अच्छा बॉल डाल रहे हैं, बाहर निकाला बॉल को सीधा विकेट कीपर के हाथ में। बिनल खेल रहे हैं 31 रन बना के, नीरव खेल रहे हैं 46 रन बना के। उठा के मारने की कोशिश की, देखते हैं कि हवा में गेंद थी लेकिन फील्डर के पास कोई मौका नहीं। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 99 रन जेट को ए टीम का। नीरव खेल रहे हैं 46 रन बना के, बिनल खेल रहे हैं 32 रन बना के। कुछ नीरव को प्रॉब्लम हुआ बॉल डालते वक्त, रोका बॉलर को। जेट को ए 99 काफी अच्छी बॉल डाली, निमेश ने क्विकर बॉल डाली, बीट किया नीरव को। ओवर की समाप्ति हुई 10 ओवर के बाद, जेट को एक टीम स्कोर का टीम पहुंचता हुआ 99 रन। नीरव बारोट खेल रहे हैं 46 रन बना के, बिनल बारिया खेल रहे हैं 32 रन बना के। जैसे कि वनडे टीम का अगर स्कोर देखा जाए तो नीरव ये 2020 में नीरव का ये 46 यानी 100 बोल सकते हैं। अच्छी बैटिंग का नजरिया अभी तक बिनल और नीरव के बल्ले से। वो तो हम कर ही रहे हैं, स्कोर कार्ड डिजिटल स्कोर कार्ड अपडेट हो ही रहा है। बॉलर जी सुथार आए हैं ब्रिज एंड से, अभी तक उन्होंने एक ओवर किया है उसमें 10 रन दिए थे। सुथार का सामना करेंगे बिनल जो कि 32 रन बना के खेल रहे हैं। जिसेल उकाई और डीजीसीएल कैप्टन दोनों को रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए आ जाए। डॉट नहीं आता, गेंद को पटका विकेट कीप के पास जाने दिया, कोई रन नहीं, दो बॉल हुए। अभी तक स्कोर अटका हुआ 99, जैसे वनडे में कोई अपना खुद का स्कोर बनाता हुआ अटक गया हो वैसे। एक रन के लिए दौड़ पड़े हैं, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन चुरा लिया, बॉल फील्डर के हाथों में था फिर भी रोक नहीं पाए। बिनल और नीरव दोनों की रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी है, आंखों आंखों में बातें कर लेते हैं दोनों और रन के लिए दौड़ पड़ते हैं। और ये जेट को ए टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 100 रन। उठा के मारा है फील्डर पीछे, एक रन,
जीरो का खुद का स्कोर पहुंचता हुआ 47 रन, बिनल 33 रन बना के थोड़ी सी नमी आ गई है गेम में, थोड़े स्लो हो गए हैं। अभी तक काफी एक्सप्रेस की तरह जा रहे थे, काफी अच्छा स्क्वायर कट किया बिनल ने, और ये 4 रन अभी अभी मैंने बताया था, लेकिन ये का नमी नहीं, सुपर फास्ट चल रही है अभी ट्रेन। उकाई और डिजिविसेल के बीच में टॉस हुआ, उसमें उकाई ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। इसके बाद पहली इनिंग के बाद उकाई और डिजिविसेल की पहली इनिंग स्टार्ट होगी। दोनों टीम अच्छा स्ट्रोक लिया, मिसफील्ड हुई, देखते हैं दो रन हो सकते हैं कि नहीं, मना किया 1 रन। ओवर समाप्ति, इस ओवर में 7 रन आए, स्कोर पहुंचता हुआ 106 रन। नीरव खेल रहे हैं 47 रन बना के और बिनल खेल रहे हैं 38 रन बना के। डीजीवीसीएल और उकाई दोनों टीम अगर प्री मैच वार्म अप करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ फिजियो उपस्थित हैं, उनकी सेवा ले सकते हैं। दोनों टीम ग्यारह ओवर के बाद टीम का स्कोर है 106 रन। नीरव अभी अटके हुए हैं 47 रन पे और बिनल खेल रहे हैं 38 रन बना के। बिनल रेडी, स्टंप किया, अपील की, कोई रन नहीं। बिनल को पिछली ओवर में भी काफी बीट किया था निमेश ने, काफी अच्छी, इससे पहले एक ओवर डाल के कह रहे, काफी बीट किया था नीरव को और बिनल को। बिनल तैयार, निमेश रेडी। लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन के लिए बिनल मिड विकेट। नीरव अपील की, स्टंप की, अंपायर ने नकारा। नीरव जल्दी से जल्दी अपना 50 खत्म करना चाहते हैं, खत्म करने के बाद सोच रहे हैं कि मैं इस टीम को अच्छी बुलंदी पे रख के जाऊं, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर सके। और ये उठा के मारा है, देखते हैं 4 रन होता है कि नहीं। 1 रन, काफी दौड़ लगाई फील्डर ने और 4 को रोका। हमारे झटको के मेंटर जिगर पंड्या साहब आज सुबह सुबह आ गए हैं यहाँ पे अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए। बिनल के हाथ से निकला हुआ ये, और काफी बढ़िया सुंदर कैच पकड़ा और बिनल 39 रन बना के आउट हुए, कॉट बाय हाय।
अच्छा कैच यहाँ पर कप्तान भावीन पटेल ने अपने दूसरे प्रयास में पकड़ा और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 108 रन 11.5 ओवरों में। बल्लेबाजी के लिए आए हैं नए बल्लेबाज अभय दवे, बाएं हाथ के स्टार बैट्समैन जो जामुआ के लिए खेलते हैं जेटको से। यहाँ पर रन गति बढ़ाने की आवश्यकता, अगर अच्छे मार्जिन से ये मैच और जीत अपने नाम दर्ज करनी है तो एक अच्छा पहाड़ सा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना होगा जेटको के बल्लेबाजों द्वारा। आखिरी गेंद, सामना करेंगे नीरव बारोट। अच्छा शॉट, कट करने का प्रयास और ये 4 रन और इसी के साथ अर्धशतक भी पूरा करते हुए नीरव बारोट। बारह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 112 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 52 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं नीरव बारोट, नए बल्लेबाज अभय दवे सामना करेंगे केजी सुथार का ब्रिज एंड से। आखिरी 6 ओवर का खेल शेष, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी यहां से जेटको के बल्लेबाजों को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए भी, अगर अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करनी आवश्यक। खड़े खड़े मारने के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज अभय दवे, अच्छे शॉट्स लगाते हैं ये। छोटा ग्राउंड, अच्छा शॉट यहां पर कट किया, 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। डीजी और उकाई प्री मैच वार्म अप के लिए अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए। उकाई और डीजीवीसीएल, वी हैव द क्वालिफाइड डॉक्टर्स ऑफ चारूसर इंस्टीट्यूट विद अस। सामना करेंगे नीरव बारोट, फील्डिंग में बदलाव। अच्छी गेंद उठा के मार दिया है, पीछे फील्डर मौजूद और गेंद नहीं पकड़ पाएंगे, 1 रन आसानी से पूरा किया। इनफॉर्म बैट्समैन, अच्छा शॉट और ये मैक्सिमम 1 बाउंस इनटू द बाउंड्री। अच्छा शॉट यहाँ पर दर्शनीय, अच्छी ये स्ट्रेंथ है, छोटा ग्राउंड अभय दवे की स्ट्रेंथ है खड़े खड़े मारने का और उसका पूरा फायदा यहाँ पर उठाने का प्रयास करेंगे।
एक और उठा के मारा है पीछे, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद गिरी नो मैन्स लैंड में और एक रन आसानी से पूरा किया, दो के लिए निकल पड़े हैं और यहां पर अच्छी फील्डिंग, दो रन आराम से पूरे किए। और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 120 रन। सामना करेंगे अभय दवे। अच्छा फील्ड किया वहां पर अपने फॉलो थ्रू में, केजी सुथार ने रन लेना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं। एक और अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, देखते हैं कैच कर पाते हैं या नहीं, और यहां पर आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया झील ने, कैच पकड़ने में कोई झील नहीं दिखाई और आराम से कैच टपका दिया। इसी के साथ 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 121 रन, दो विकेट के नुकसान पर। दर्शक दीर्घा में से डिमांड है कि अच्छे टावरिंग सिक्सेस देखने को मिले यहां पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही देर में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं, मेलानिया ट्रंप और बेटी इवांका ट्रंप के साथ। तो हम चाहेंगे कि अभय दवे एक ऐसा टावरिंग सिक्स लगाएं जो कि उनके एरोप्लेन एयरफोर्स वन को किस करके वापस लौट के आए। अच्छा शॉट यहां पर कवर्स में से, एक रन आसानी से पूरा किया दूसरे के लिए लेकिन ना बोल दिया। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स वन ग्राउंड के ऊपर से निकलता हुआ अहमदाबाद के लिए, इवांका और मेलानिया के साथ। हम चाहेंगे कि ऐसा शॉट लगाया जाए कि जो प्लेन को, प्लेन के ब्लेड को किस करके वापस, बॉल हमारी वापस आ जाए। और ये काम दोनों बल्लेबाजों में से, और ये देखिए घुमा के मारा है पीछे, फाइन लेग अप था और चार रन, वेलकम बाउंड्री, जुड़ेंगे नीरव बारोट के खाते में। अच्छा शॉट यहां पर देखने को मिला। अच्छा शॉट यहां पर, फुलर डिलीवरी और उसको अंजाम तक पहुंचाया नीरव बारोट ने, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। और आक्रामक होने की जरूरत है यहां पर, रौद्र रूप दिखाकर अच्छा स्कोर बनाने की जरूरत। एक और फुलर डिलीवरी उठा के मार दिया है, पीछे फील्डर मौजूद, देखते हैं ये आसान सा कैच यहां पर, और इसी के साथ विकेट का पतन हुआ। अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छी इनिंग यहां पर नीरव बारोट के बल्ले से, 57 रन बनाकर आउट हुए हैं 35 गेंदों में, 8 चौके और 2 छक्कों के साथ। अच्छी बल्लेबाजी कर वापस पवेलियन लौटते हुए नीरव बारोट अपना अर्धशतक पूरा किया, 57 रन मात्र 35 गेंदों में, 8 चौके और 2 छक्कों के साथ। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए वापस पवेलियन आते हुए अपना कार्य पूर्ण किया इन्होंने आज, जो शुरुआत की दरकरार थी वो। नए बल्लेबाज
अंकित एम पटेल सामना करेंगे अभय दवे। अच्छा टावरिंग शॉट यहां पर देखने को मिला, पीछे फील्डर मौजूद और ये अच्छा कैच यहां पर देखने को मिला है, बेहतरीन फील्डिंग, लवली कैच यहां पर फील्डर ने पकड़ा। एक रनिंग कैच डाई लगाते हुए पकड़ा यहां पर अर्पण पटेल ने। अब तक का सबसे बेहतरीन कैच ये टूर्नामेंट का पकड़ा हुआ अर्पण ने, अपने बाईं तरफ रनिंग करते हुए और फिर डाई लगाकर गेंद को पकड़ा, बेहतरीन। YouTube में आप इसे रिवाइंड कर भी देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। सामना करेंगे अंकित पटेल नए बल्लेबाज जे परमार। एक अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, वन बाउंस गेंद को फील्ड किया। इंडियन एयरफोर्स का ये प्लेन मैदान के फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से खींचकर लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट की तरफ, एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 128 रन चार विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर का खेल शेष। निमेश पटेल ब्रिज एंड से कंटिन्यू करेंगे, सामना करेंगे जीतू परमार। पटकी हुई गेंद कट करने का प्रयास था, बीट हुए, कोई रन नहीं यहां पर। अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल यहां पर निमेश पटेल। एक और शॉर्ट बॉल कट किया, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन विकेट के पीछे ना आके आगे से कलेक्ट करने का प्रयास था। सीधा थ्रो, बीच में अगर गेंदबाज ना होते तो शायद रन आउट का चांस था। अंकित पटेल अच्छा शॉट, एक रन के लिए दौड़ पड़े हैं और यहां पर ओवर थ्रो और एक और रन यहां पर पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एक अतिरिक्त रन भी ओवर थ्रो के कारण यहां पर मिलता हुआ।
यहाँ पर असुविधा होती हुई कुछ गेंदबाज को अच्छा शॉट पीछे खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से, एक रन आसानी से पूरा किया और दूसरे के लिए निकल पड़े, अच्छी रनिंग करनी पड़ेगी और ये 2 रन आसानी से पूरे किए। पटकी हुई गेंद फिर से पॉइंट के पास, फील्डर मौजूद और यहां पर निकल पड़े थे जेजे परमार, रन आउट होते हुए। अच्छी फील्डिंग वहां पर और सीधा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो किया। नए बल्लेबाज निर्मल टंडेल आए हैं बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे अंकित पटेल। यहाँ पर लाभ लेते हुए डीजीवीसीएल के प्लेयर्स फिजियोथेरेपी का, स्ट्राइक पर निर्मल सामना करेंगे। अच्छा शॉट उठा के मारा है, पीछे फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच ड्रॉप किया, गेंद से आगे निकल गए फील्डर। अंकित सामना करेंगे, आगे आगे मारने का प्रयास था, आई नहीं अच्छे से, एलिवेशन नहीं मिला, एक रन पूरा किया और दूसरे के लिए निकल पड़े यहां पर शहीद होते हुए अपने विकेट का। यहां पर बलिदान दिया इन्होंने, नए बल्लेबाज हेमांग रामी। स्कोर जा पहुंचा है 135 रन 15.2 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, एक रन पूरा किया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि छोटा ग्राउंड है, डबल्स लेने के बजाय बाउंड्री हिट करने में ज्यादा मजा। अच्छी गेंद
डाउन द ग्राउंड खेल दिया एक रन। अंकित पटेल अच्छा शॉट यहां पर डाउन द ग्राउंड और चार रन यहां पर अंकित पटेल के बल्ले से निकलते हुए। एक और अच्छा शॉट यहां पर, अच्छी फील्डिंग यहां पर की है कप्तान ने और दो रन आसानी से पूरे किए। लॉन्ग ऑफ और कवर के बीच में से उठा के करारा शॉट यहां पर अंकित पटेल के बल्ले से निकलता हुआ और स्कोर जा पहुंचा 143 रन 16 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 143 रन अंकित और हिमांग रामी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दो ओवर का खेल शेष, जीसेक उकाई और डीजीबीसीएल से रिक्वेस्ट है कि अपने मैच की पहली इनिंग के लिए रेडी रहें। जीसेक एंड उकाई, डीजीबीसीएल एंड उकाई। एनके पटेल कंटिन्यू करेंगे ब्रिज एंड से, रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है अभी तक यहां पर जेटको के बल्लेबाजों को। आखिरी दो ओवरों का खेल शेष, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाहर, डीप मिड विकेट बाहर, थर्ड मैन बाहर, फाइन लेग ऊपर, फील्डिंग की सजावट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाहर। अच्छा शॉट मारने का प्रयास था, एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरे के लिए निकल पड़े अंकित पटेल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, फ्रेश लेग्स से ये दौड़ते हैं अंकित पटेल, अच्छा रन यहां पर पूरा किया। उठा के मारने का प्रयास था, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, एक रन पूरा किया। यहाँ पर हल्की सी मिसफील्डिंग होती हुई, दूसरे के चाहते हैं निकल पड़े लेकिन वापस आना पड़ेगा। फिर से बॉल छूटी हाथ में से, फिर से रन लेने का प्रयास, ना नहीं मिलेगा। अंकित सामना करेंगे अच्छा शॉट यहां पर, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। घुमा के मारने का प्रयास, खराब गेंदबाजी, दिशाहीन अतिरिक्त रन एक वाइड के रूप में मिलता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है 148 रन 16.4 ओवर्स में 8 गेंदें शेष। उठा के मारा है, पीछे फील्डर मौजूद, डीप विकेट, विकेट पर अच्छा कैच, फिर यहां पर पकड़ा और विकेट का पतन होता हुआ।
बल्लेबाजी में आए हुए हैं यहाँ पर नए बैट्समैन अंकित पटेल, एके पटेल। मारने का प्रयास, अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद और एक और आसान सा कैच लॉन्ग ऑफ के हाथों में। नए बल्लेबाज भावीन पटेल, सत्रह ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 148 रन 8 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे भावीन पटेल, सामना करेंगे डीजीवीसीएल और उकाई से रिक्वेस्ट है कि रेडी रहे हैं फॉरन अपनी इनिंग के लिए। अच्छा शॉट मिड विकेट की तरफ घुमा के मारा, एक रन आराम से दौड़ लिया, दूसरे के लिए निकल पड़े अंकित पटेल और पूरा किया यहां पर, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तीसरा रन भी चाहते हैं अंकित तो। और इसी के साथ 150 रन पूरे होते हुए यहां पर जेटको टीम के 5 गेंदें शेष। आगे आगे मारने का प्रयास, बाहर बॉल और देखते हैं एम्पायर का इशारा क्या रहता है, लेकिन एम्पायर ने अपने पंख नहीं खोले। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, तीसरी गेंद उठा के मारने का प्रयास था, आई नहीं बल्ले पर, एलिवेशन नहीं मिला, एक रन पूरा किया। सामना करेंगे अंकित पटेल, आखिरी 3 गेंदें शेष मैच की, देखते हैं ये। अच्छी गेंद और ये क्लीन बोल्ड हुए यहां पर, वापस पवेलियन जाते हुए अंकित पटेल। नए बल्लेबाज आखिरी बल्लेबाज के रूप में जाते हुए आरएच अगरिया, आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष, 151 रन 9 विकेट गंवाकर अभी तक बनाए हैं जेटको ने। आखिरी 2 गेंद, वो टावरिंग 6 अभी तक हमें देखने को नहीं मिला जो दर्शकों ने डिमांड की थी, देखते हैं 2 गेंदों में वो क्या हमें 6 देखने को मिलेगा। अच्छी गेंद, ये कट किया था और पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन यहां पर।
आखिरी गेंद, स्कोर 155 रन 9 विकेट के नुकसान पर, और ये उठा के मार दिया है लॉन्ग ओपर, फील्डर मौजूद डाउन द ग्राउंड, एक और बाउंड्री यहां पर, अच्छा शॉट यहां पर देखने को मिला, और इसी के साथ 159 रन 18 ओवरों की समाप्ति के बाद 160 रन यहां पर करने होंगे जी से को। डीजीवीसीएल प्लीज बी रेडी फॉर द फील्डिंग, डीजीवीसीएल फील्डिंग के लिए रेडी रहे। DGVCL 12th man and GSEC UKAI 12th man, please comment the commentary box. 12th man, DGVCL and 12th man, GSEC UKAI. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो, सामना करेंगे जे परमार का आज के मैच के पहले मैच की दूसरी इनिंग। अच्छी गेंद,
अच्छी गेंद जीतू परमार। एक और अच्छी गेंद बीट किया, घुमा के मारने का प्रयास था। अच्छी गेंदबाजी जीतू परमार के द्वारा। अच्छा शॉट कवर्स के ऊपर से चार रन, वेलकम बाउंड्री से खाता खुलता हुआ वणक बोरी का। फील्डिंग में बदलाव, थर्ड मैन को अंदर लेते हुए। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ बाहर। अच्छी गेंद यहां पर, एक रन। गेंदबाजी में आए हैं आर एच अगरिया। युवा तेज गेंदबाज 150 से 155 इनकी गति। सामना करेंगे सुधार अघारिया का। थर्ड मैन बाहर लेते हुए, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाहर। अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद और सम्मान दिया यहां पर सुथार ने। एक और अच्छी गेंद, लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है, फील्डर मौजूद। आगे मारने का प्रयास, चूके और यहां पर मिसफील्ड हुआ। अंपायर का इशारा, लेग बाय।
अच्छी पटकी हुई गेंद हवा में, पीछे फील्डर मौजूद और आशांत कैच यहां पर, पहला विकेट गिरता हुआ बीके पटेल। ओवर गति का भी ध्यान दें। अच्छी गेंद फिर से और एक बढ़िया ओवर यहां पर आर एच अगरिया का, एक रन यहां पर मिला आराम से। इसके बाद अभी तीन इनिंग्स का गेम अभी बाकी, तो एम्पायर्स को भी ये इंडिकेट करना होगा टीम्स को कि ओवर रेट का भी ध्यान दें। जे जे परमार कंटिन्यू करेंगे, अकोट अब्रिजेंट से सामना करेंगे। हनुरा आगे आगे मारने का प्रयास था, एक रन आसानी से चुरा लिया। पॉइंट की तरफ कट किया है, निर्मल टंडेल ने बॉल को कैरी किया, अच्छी फील्डिंग वहां पर, कोई रन नहीं। यहां पर मारने के बाद थोड़ा स्लिप हुए बल्लेबाज, मिड विकेट पर जोर से मारने के प्रयास में। अच्छी गेंदबाजी,
अच्छी गेंद, बीट किया। अच्छा शॉट उठा के मार दिया, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन चार रन यहां पर। तीन ओवरों में 14 रन, अगर यह कंटिन्यू करेंगे अपने स्पेल का दूसरा ओवर। मारने का प्रयास था, एलबीडब्ल्यू की अपील नकार दिया एम्पायर ने। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद स्टार बैट्समैन, अच्छी फील्डिंग वहां पर, बीके पटेल न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, भाविन पटेल। एक और डॉट बॉल, प्रेशर आता हुआ। फल करके मारने का प्रयास, सीधा हाथ में कैच दे बैठे।
एक और डॉट बॉल, हमारे साथ नए कैमरामैन समीर पटेल मैच को कवर करते हुए, पार्ट टाइम जॉब। आगे आगे मारने का प्रयास, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, एक रन। अपना हुनर यहां पर दिखाते हुए समीर पटेल, ऑलराउंडर हैं ये। अच्छी गेंद और ये कीपर से मिस हुई, एक रन यहां पर। पंड्या सर प्लीज नोट करिए, ₹50। अच्छी गेंद यहां पर फ्लिक किया हल्के हाथों से, फाइन लेग से चार रन यहां पर जाते हुए। अच्छी गेंद फिर से उठा के मारने का प्रयास था, बीट हुए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले, फील्ड रेस्ट्रिक्शंस हटते हुए 5 ओवर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अपने कोटे का 3रा ओवर लाते हुए आर्य चकरिया, 2 ओवर 4 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किए। अच्छी गेंदबाजी,
अच्छी गेंद दिशा से भटके, लेकिन पटकी हुई गेंद वाइड गई सारा, एक अतिरिक्त रन। अच्छी गेंद फिर से बीट किया, नीची रही, आई नहीं बल्ले पर और मारने का प्रयास। वाइड गेंद, पटकी हुई गेंद फिर से लेग स्टंप के बाहर, अंपायर ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बल्लेबाज थोड़े नाखुश। पटकी हुई गेंद लेकिन अच्छा शॉट, इतना ही बेहतरीन यहां पर, और ये कैच छूटता हुआ और देखना पड़ेगा चार या छह, प्लेयर इटसेल्फ ये बता सकते हैं कि बॉल बाउंड्री के अंदर गिरी या बाउंड्री के बाहर। चार चार रन यहां पर। रीप्ले में हम देखकर चार रन निश्चित रूप से, ये चार रन है यहां पर बाउंड्री। अच्छा शॉट यहां पर, फायदा उठाया पटकी हुई गेंदों का, बेहतरीन शॉट। लंबी गेंद और ये कवर्स के ऊपर से ड्राइव कर दिया, अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन बाउंड्री यहां पर मिलती हुई बल्लेबाज के खाते में, धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए। पटकी हुई गेंद और उसके बाद एक फुलर लेन डिलीवरी और बल्लेबाज ने फायदा उठाया दोनों गेंदों का। दो गेंदें अभी शेष। फिर से फुलर लेन, फिर से उठा के मारा है डीप एक्स्ट्रा कवर में, प्लेयर मौजूद है, मिसफील्ड किया यहां पर बॉल को और डबल आसानी से पूरा किया। आमिर वोरा फील्डर, अच्छे तेज सर्रार फील्डर माने जाते हैं। फिर से फुलर लेंथ डिलीवरी और कट किया है, पीछे फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से पूरा किया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर हुआ है 37, छह ओवरों की समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान पर 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी जीसेक वानक बोरी टीम। गेंदबाजी में परिवर्तन, अकोटा ब्रिजेंट से आए हैं अभय दवे, लेफ्ट आर्म
स्पिनर, अच्छी गेंदबाजी करते हैं अवैध अबे। राकेश चौधरी लॉन्ग ऑन पर खेल दिया एक रन के लिए। अच्छी गेंद यहां पर मारने का प्रयास था। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, यहां पर स्लिप हुए और वापस गलत एंड पर थ्रो किया। यहां पर सूझबूझ के साथ अगर थ्रो तो निश्चित रूप से यहां पर विकेट। अच्छी गेंद कट किया, पीछे फील्डर मौजूद, एक रन। अच्छी गेंद बीट करती हुई फील्डर्स को, अच्छा फुटवर्क यहां पर फील्डर के द्वारा और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अच्छी गेंदबाजी, अपील और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर हुआ है 7 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 66 गेंदों में अभी 119 रनों की दरकार। गेंदबाजी में परिवर्तन, भाविन पटेल। राजमेलैंड से लेफ्ट आर्म मीडियम पेस सामना करेंगे एनबी चौहान। अच्छी गेंद सीधा खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। लाओ हमड़ा लाओ,
अच्छा शॉट यहाँ पर, एक रन चुरा लिया हल्के हाथों से खेलकर। ये यहाँ पर खराब फील्डिंग, पैर से रोकने का प्रयास और चार रन जाते हुए। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन लेंथ से बॉलिंग करते हुए भाविन पटेल, सुंदर गेंदबाजी यहाँ पर, अच्छी लाइन लेंथ के साथ गुड लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए 48 रन। फुलर डिलीवरी और उठा के मार दिया, पीछे फील्डर मौजूद और ये बेहतरीन सिक्स। दवे कंटिन्यू करेंगे अकोटा ब्रिजेंट से। अच्छा शॉट यहां पर डाउन द ग्राउंड और फील्डर मौजूद, खराब फुटवर्क और चार रन। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर बाउंड्री लाइन की तरफ, भाविन पटेल बॉल के पीछे देखते रोक पाते नहीं और चार रन यहां पर। एक और चौका इस ओवर का, लगातार दूसरा चौका निकलता हुआ एनबी चौहान के बल्ले से। तेज गति से डाली हुई गेंद अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर के पीछे से। अच्छी गेंद,
खेला है पॉइंट की तरफ से, पीछे फील्डर मौजूद है, करिया एक रन। और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 ओवर 8 पॉइंट 4 ओवर में 64 रन। अच्छा शॉट मारने का प्रयास, चूके, देखते हैं एम्पायर का इशारा, लेग बाई, एक अतिरिक्त रन। आठ दशमलव पांच ओवर्स में 65 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, ये कवर्स में से खेलने का प्रयास था, पीछे फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से पूरा किया और ओवर की समाप्ति। स्कोर जा पहुंचा है 66 रन, 9 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट के नुकसान पर। जी से एक वणक बोरी की टीम, एन बी चौहान और राकेश 28 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, एक बॉल अजीशेष। अच्छी गेंद, सीधे पैड से टकराई, कोई रन नहीं। अब है दवे, स्ट्राइकर बॉलर, तेज गति से भी डाल देते हैं कभी कभी बीच में बॉल बल्लेबाज को चकमा देने के लिए। नौ ओवरों की समाप्ति के बाद 65 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, राजमहल एंड से कंटिन्यू करेंगे अंकित एम पटेल। अंकित एम पटेल नए बॉलर, अंकित अंकित पटेल। अंकित पटेल अच्छी गेंद उठा के मार दिया, पीछे फील्डर मौजूद नहीं और गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ, 4 रन यहां पर। वेलकम बाउंड्री, अच्छा शॉट पॉइंट के ऊपर से, 4 रन प्राप्त किए पहली गेंद पर। एक और फुल लाइन डिलीवरी, अच्छा ड्राइव किया वहां पर, पीछे फील्डर मौजूद अंकित पटेल, एक रन आसानी से पूरा कर लिया। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन, 9.2 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे राजेश। अच्छी बॉल, फिर से पीछे फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से पूरा किया और ये निकल पड़े दूसरे के लिए। अच्छा थ्रो वहां पर, 2 रन आसानी से पूरे किए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तीनों फुलर लेंथ डिलीवरी, जरूरत है खींच कर रखने की। अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, यहां पर एक रन फिर भी चुरा लिया यहां पर हल्के हाथों से खेलकर। जेट को ए टीम के कोच जिगर पंड्या सर, अंकित पटेल लॉन्ग ऑफ के फील्डर को इंस्ट्रक्शन देते हुए।
अच्छी गेंद उठा के खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद नहीं और थर्ड मैन की दिशा में यहां पर बाउंड्री जाती हुई। इस ओवर का दूसरा चौका। कोच रवि शास्त्री यहां पर थोड़े चिंतित। अच्छी गेंद फिर से खेल दिया है, फील्डर मौजूद कवर्स की तरफ, एक रन तो पूरा कर लिया। अच्छा थ्रो यहां पर, अरे आउट का इशारा एम्पायर के द्वारा। अच्छा थ्रो वहां पर भावीन के द्वारा। बल्लेबाजी के लिए आए हुए एनके पटेल। अच्छा थ्रो वहां पर भावीन का। अच्छी गेंद यहां पर बीट किया बल्लेबाज को अभय दबे। अच्छा शॉट यहां पर फिर से बल्लेबाज शॉट लगाने के बाद स्लिप होते हुए और एक रन पूरा किया आराम से। और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 79 10 ओवर की चार गेंदों के रहते हुए। अच्छा ड्राइव यहां पर खेला, पीछे फील्डर मौजूद यहां पर, हा ना और अच्छा शॉट यहां पर फाइन लेग की दिशा में एक रन के लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई।
स्कोर जा पहुंचा है 80 रन 10 ओवर के बाद, 11 ओवर के समाप्ति के बाद 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में भावीन राजमहल एंड से, एंड देयर इज अ न्यूज फ्रॉम द सेंटर के डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मलानिया के साथ साबरमती आश्रम में पहुंच चुके हैं। खूबसूरत ब्लैक सूट में येलो टाई के साथ ट्रंप और व्हाइट हाई नेक ड्रेस में उनकी पत्नी मलानिया। बाबिन कंटिन्यू करेंगे राजमहल एंड से, अच्छी गेंद यहां पर खेल दिया है हल्के हाथों से, एक रन। वरिष्ठ फील्डर अभय दवे गेंद को फील्ड करते हुए, अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है यहां पर पॉइंट की दिशा में, एक रन आसानी से पूरा किया। ऊपर डाली हुई गेंद यहां पर बीट हुए बैट्समैन, अच्छी गेंद अभी तक तीनों की है। भावीन ने खिलाने का प्रयास किया है बल्लेबाज को, विकेट टू विकेट, ज्यादा रूम नहीं दिया, फुलर लेंथ भी नहीं अभी तक डिलीवरी। अच्छी गेंदबाजी करते हुए भावीन, अच्छी गेंद एक और ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई, बीट करते हुए लगातार दो गेंदों पर बल्लेबाज को भावीन। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी हुई जीसैक बनाक बोरी की टीम, 82 रन 11.4 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी में राकेश और निमेश, एक और फुलर लोअर फुल टॉस, एक रन के लिए, अच्छी डिलीवरी, अच्छा ओवर अभी तक सूझबूझ के साथ। तिरासी रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट यहां पर मिसफील्ड हुआ हल्का सा, दौड़ पड़े लेकिन वापस लौट गए, कोई रन नहीं। अच्छा ओवर यहां पर भावीन ने किया है, मेलानिया इवांका और इवांका के पति के साथ डोनाल्ड ट्रंप। गांधी आश्रम में, साबरमती आश्रम में चरखा चलवाते हुए नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से, शानदार तस्वीरें, अच्छा नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। हेमांग रामी अकोटा ब्रिज एंड से कंटिन्यू करेंगे अपनी इनिंग का पहला ओवर। अच्छी गेंद यहां पर मिड विकेट की तरफ खेल दिया, एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की इच्छा जाहिर नहीं की। हेमांग रामी इंग्लिश काउंटी प्लेयर, अच्छा शॉट उठा के मारा है, पीछे फील्डर मौजूद और बॉल गई है ये रिवर में। देखते हैं वहां पर घड़ियाल मौजूद, पीछे प्लेयर को सावधान रहने की जरूरत।
गड़ियालों से सावधान रहे लॉन्ग ऑन के फील्डर बॉल उठाते वक्त। अच्छा शॉट यहां पर, नब्बे रनों पर जा पहुंची है टीम यहां पर 12 ओवरों में। अभी दो गेंदें, चार गेंदें शेष, एक और अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड, पीछे फील्डर मौजूद, देखते हैं पकड़ पाएंगे या नहीं। और अच्छा कैच वहां पर पकड़ा है अंकित पटेल। नए बल्लेबाज भावीन पटेल, राकेश अच्छी पारी खेल के आउट होते हुए 40 रन। निमेश सामना करेंगे हिमांक का। अच्छी गेंद कट करने का प्रयास, चूके। एक और अच्छा शॉट स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया, पीछे फील्डर मौजूद, आमिर वोरा ने फील्ड किया गेंद को, एक रन पूरा किया आसानी से। अच्छी गेंद यहां पर विकेटों के सामने पकड़े गए और LBW यहां पर विकेट मिलता हुआ हेमांग रामी को। तेज गति से डाली हुई गेंद, इस ओवर में गिरता हुआ दूसरा विकेट। भावीन पटेल शून्य के निजी स्कोर पर आउट हुए। नए बल्लेबाज आकाश देसाई क्रीज की तरफ बढ़ते हुए, भावीन कंटिन्यू करेंगे अपने कोटे का तीसरा ओवर। सामना करेंगे निमेश, फुलर डिलीवरी मारने का प्रयास था, एक रन आसानी से पूरा किया और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां पर दो रन पूरे किए। देखा वहां पर फील्डर मुस्तैद नहीं और फायदा उठाया और दो रन आसानी से पूरे किए। DGVCL और उकाई की टीम अगले मैच के लिए वार्म अप के लिए रेडी हो जाए। अच्छा शॉट उठाकर मार दिया है पीछे फील्डर अभय दबे और
अगरिया के बीच में गेंद गिरी, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन हो पाते हैं और आउट। खराब रनिंग बिटवीन द विकेट्स। संजय बारिया नए बल्लेबाज। हाँ, समय का ध्यान रखते हुए ये इनिंग पूरी करने का। अच्छी गेंद और ये इतना ही अच्छा शॉट लगाया हुआ है, मिड विकेट से उठा के मार दिया है, चार रन। बहुत ही प्यारा शॉट यहां पर देखने को मिला, दर्शनीय। अच्छा पिक किया यहां पर और बड़े ही शानदार तरीके से मिड विकेट, डीप मिड विकेट के बीच में से चौका लगाया। खेल दिया है कवर्स और पीछे फील्डर मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर में दो रन आसानी से पूरे किए और इसी के साथ 100 रन भी पूरे हुए जी सेक वनक बोरी के। बाहरी किनारा और यहां पर मिस फील्ड और एक रन। एज लगते ही निकल पड़े थे बल्लेबाज। आखिरी गेंद शेष, सामना करेंगे संजय बारिया भाविन पटेल का। अच्छी गेंदबाजी, 14 ओवरों की समाप्ति के बाद 101 रन 6 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 59 रनों की दरकार 24 गेंदों में। अच्छी धुआंधार बल्लेबाजी यहां से करने की आवश्यकता अगर ये मैच अपने नाम करना चाहते हैं वनक बोरी। दर्शनीय शॉट्स यहां पर लगाने पड़ेंगे। DGVCL और उकाई टीम अपने मैच की सेकंड इनिंग के लिए वार्म अप के लिए तैयार हो जाएं। DGVCL एंड टीम उकाई। अब है दवे कंटिन्यू करेंगे अकोटा ब्रिज एंड से। अच्छा शॉट यहां पर मारने का प्रयास था, हवा में गेंद, पीछे फील्डर मौजूद नहीं, एक रन आसानी से पूरा किया निमेश। आई नहीं बल्ले पर, एक रन फिर भी प्राप्त किया। और ये तेज गति से फेंकी हुई गेंद, खेल दिया है पॉइंट की दिशा में, पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, देखिए रोक पाते हैं नहीं, और ये चार रन एम्पायर का इशारा। पटकी हुई गेंद को गाइड किया पॉइंट की दिशा में और चार रन यहां पर प्राप्त हुए बल्लेबाज को।
अच्छी बल्लेबाजी संजय बारिया। गाइड किया सिर्फ गेंद को और चार रन प्राप्त किए, गति का फायदा उठाया। एक और अच्छा शॉट यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखते हैं फील्डर, और यह शानदार मैक्सिमम यहां पर मिलता हुआ बारिया को, धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए दो गेंदों में 10 रन अभी तक बना चुके हैं। तीसरी गेंद लेकर आते हुए तेज गति से डाली हुई गेंद, मारना चाहते थे, बीट हुए और लेग बाई का इशारा एम्पायर के द्वारा। चालाक बॉलर अभय दवे बल्लेबाज को। अच्छी गेंद फिर से बीट किया यहां पर, पॉइंट्स के पास से मारना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन इस बार गति से बीट किया। लंबी गेंद उठा के मारा है, एक रन आसानी से पूरा किया, बाहरी किनारा लगा था बल्ले का, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर जा पहुंचा 114 रन 6 विकेट के नुकसान पर 15 ओवरों में। 46 रनों की दरकार 18 गेंदों में। निमेश पटेल और संजय बारिया अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अच्छे शॉट्स लगाने होंगे अगर ये मैच जीतना है तो। संयम के साथ प्रहार करना होगा गेंदों पर, खराब गेंदों पर प्रहार करके बाउंड्री के बाहर भेजकर। भाविन अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर आते हुए राजमहल एंड से सामना करेंगे निमेश पटेल। अच्छी गेंद ये मारने का प्रयास था, अपील यहां पर लेग बाई का इशारा, एक रन यहां पर जुड़ेगा। एम्पायर ने कोई रुचि नहीं दिखाई। अच्छी गेंदबाजी की अभी तक निमेश, माफ कीजिएगा भावीन ने। बारिया अच्छा शॉट यहां पर लगाया हुआ, बॉल निकल कर जाती है और ये मिसफील्ड, देखते हैं बाउंड्री तक पहुंच पाएगी या नहीं। यहां पर रोका बॉल को, 2 रन आसानी से पूरे किए अंकित पटेल। तीसरी बॉल लेकर आते हुए अच्छी गेंद और ये बाहरी किनारा, और यहां पर लगता है 4 रन मिलेंगे, भाग्य का सहारा यहां पर मिलता हुआ संजय बारिया को, लेकिन वेलकम रन्स। पंद्रह गेंदों में 39 रनों की जरूरत, अच्छे शॉट्स लगाने होंगे यहां पर, कड़क कड़क शॉट्स, ताकत के साथ गेंद को बाहर फेंकना पड़ेगा अगर ये मैच जीतना चाहते हैं वणाक बोरी। अच्छा शॉट यहां पर कवर्स के ऊपर से मारते हुए, पीछे अंकित फील्डर मौजूद, फंबल हुए लेकिन एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को, और यहां पर बॉल कैरी नहीं किया,
लुका छिपी खेलते हुए बॉल के साथ एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। स्कोर जा पहुंचा 122 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 15.4 ओवरों में। 38 रनों की जरूरत अभी 14 बॉलों में। पांचवी बॉल लेकर आए भाविन, अच्छा शॉट उठा के मारा है, पीछे फील्डर मौजूद है खड़िया, देखते रुक पाते हैं, अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। और यहां पर खराब थ्रो, मिस फील्डिंग हुई, एक और अतिरिक्त रन यहां पर। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ वणाक बोरी के खाते में। निमेश सामना करेंगे आखिरी गेंद, अच्छा शॉट उठा के मारा डाउन द कॉर्नर, पीछे अंकित पटेल, देखते हैं आसान सा कैच होना चाहिए, बढ़िया कैच यहां पर अंकित पटेल का, अच्छा विकेट यहां पर मिलता हुआ निमेश पटेल के रूप में, एक और विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज अर्पण पटेल, उकाई, मैं उकाई की टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वार्म अप के लिए फिजियो के पास आ जाएं प्लीज, प्री मैच वार्म अप के लिए। आखिरी कुछ गेंदें से इस मैच की, अर्पण सामना करेंगे जीतू परमार का, 12 गेंदों में 36 रनों की रिक्वायरमेंट। शॉर्ट बॉल और वाइड यहां पर, अंपायर का इशारा, एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ खाते में। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 125 रन 16 ओवरों की समाप्ति के बाद। 12 बॉलों में 35 रनों की जरूरत, यहां पर बीट किया अनुभव का प्रयोग करते हुए जे परमार, कच्छ एक्सप्रेस। यहां पर एक और डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी करते हैं अंजार से, आगे आगे मारने का प्रयास, एक और बॉल को खिला दिया डॉट, पूरा ओवर डॉट खिला सकते हैं, इतनी काबिलियत है यहां पर जे परमार की। कच्छ एक्सप्रेस बल्लेबाज को भांप लेते हैं और उसके हिसाब से बॉलिंग को बदलाव। एक और डॉट बॉल, देखो जैसा कि मैंने कहा था, यहां पर चाहे तो पूरा ओवर इनको खिला सकते हैं आराम से, लंच की कोई आवश्यकता नहीं वो बल्लेबाज को, 6 गेंदे खा जाएंगे तो कोई आवश्यकता नहीं। अच्छी बॉल, एक और बॉल खिलाते हुए यहां पर, 4 गेंदें अभी तक खा चुके हैं बल्लेबाज, 8 गेंदों में 35 रनों की रिक्वायरमेंट। और जे परमार अनुभव का पूरा प्रयोग करते हुए भांप लिया है बल्लेबाज की काबिलियत को और उसी के अनुरूप बॉलिंग कराते हुए, एक और डॉट बॉल यहां पर, बेहतरीन गेंदबाजी जीतू परमार, 5 गेंदें अभी तक खिला दी है इन्होंने, अच्छी गेंदबाजी कच्छ एक्सप्रेस, अच्छे इनस्विंगर बॉलर। छठवीं बॉल अगर ये खिलाएंगे तो हम इनको डबल लंच कराएंगे जीतू परमार को। आखिरी गेंद, ये भी संपर्क हुआ लेकिन बल्लेबाज ने ना पाड़ दिया, इस बार कोई रन नहीं, 6 की 6 बॉले इन्होंने डॉट, अच्छा ओवर यहां पर खत्म होता हुआ दबाव में जीतू परमार का, शानदार गेंदबाजी।
डीजीवीसीएल और उकाई अपनी सेकंड इनिंग के लिए रेडी रहे प्लीज। आखिरी छह गेंद शेष, छह गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। सामना करेंगे संजय बारिया, चाहते होंगे कि युवराज सिंह की तरह छह छक्के लगाना एक ओवर में। 125 रन 17 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 159 के जवाब में अभी तक बनाए हैं वणकबोरी ने। छह गेंदों में 35 रन, सामना करेंगे आर.एच. अगरिया का संजय बारिया। मैच को जीतने के लिए 35 रन यानी कि 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने पड़ेंगे बारिया को। हम चाहते हैं 3 तो कम से कम लगाएं। अच्छा शॉट उठा के मारा है, बॉल कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए, उससे पहले बीच में अवरोध बनकर जीतू पर मार, लेकिन जज नहीं कर पाए और कैच ड्रॉप होता हुआ। प्लीज बॉलर्स चेक करें कि कितने कोटे के यहां पर, थोड़ा ध्यान दें कप्तान। डिस्कस इंटरनल डिस्कशन करने के बाद गेंदबाजी किसी को दी जाए। यहां पर ओवर का लिमिट है, 3 गेंदबाजी 4 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं। यहां पर एंपायर थोड़ा क्लियर करें, ये बॉल काउंट नहीं होगा तो रन काउंट होंगे या नहीं। बॉल काउंट होगा और रन भी काउंट होगा। ओके थैंक यू एंपायर। पांच गेंद शेष, हेमांग रामी आए हैं अभी। और मारने का प्रयास था डॉट बॉल एक बार यहां पर, 4 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। एक और आगे आगे मारने का प्रयास, एक और डॉट बॉल, 3 गेंदों में 31 रनों की जरूरत ये मैच जीतना है तो। उठा के मार दिया यहां पर लॉन्ग ऑफ की तरह, कवर्स के बीच में फील्डर दौड़ते हुए अंकित, और एक और आसान सा कैच यहां पर पकड़ा, एक और विकेट का पतन होता हुआ बारिया के रूप में, 8वां विकेट गिरा। जीसेक उकाई एंड डीजीवीसीएल प्लीज रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल रेडी रहे अंदर मैदान में, आखिरी बॉल के बाद कूद जाने का प्रयास करें पूरा पूरा। आखिरी 2 गेंद शेष, अच्छी एक और डॉट बॉल, रामी गेंदबाज इंग्लिश बॉलर, 3 लगातार डॉट बॉल्स। आखिरी गेंद मारने का प्रयास था, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया और इसी के साथ ये जेट को ने मैच अपने नाम कर लिया है 29 रनों से। 130 रन 8 विकेट के नुकसान पर यहां पर वणकबोरी की टीम बना पाई 160 रनों के जवाब में। अच्छा कंटेस्ट देखने को मिला यहां पर जिसमें जेट को